नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ नौशीन परवीन। उत्तराखंड प्रदेश की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ 24। बहादुराबाद NH-58 पर बनाए जा रहे टोल प्लाजा के अधूरे निर्माण कार्य बन सकते हैं। महाकुंभ में सरदर आने वाले भारी ट्रैफिक से लग सकता है जाम। खबर हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र से है। NH-58 पर बनाए जा रहे टोल प्लाजा के कारण आने वाले महाकुंभ में कई तरह की परेशानियों से शासन व प्रशासन को रूबरू होना पड़ सकता है। आपको बता दें कि NH-58 बहादुराबाद में बनाए जा रहे टोल प्लाजा का निर्माण कार्य काफी लंबे समय से धीमी गति पर चल रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। महाकुंभ का आगाज होने के महज कुछ दिन शेष बचे हैं। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2021 को कुंभ के पहले स्नान की तैयारियों में शासन व प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन इस टोल प्लाजा के अधूरे निर्माण के चलते महाकुंभ से पहले स्नान पर आने वाले भारी ट्रैफिक के कारण जाम की स्थिति से परेशान शासन व प्रशासन को जूझना पड़ सकता है, क्योंकि इस टोल प्लाजा से पहले और बाद में दोनों ओर मेन हाईवे पर आने जाने वाले के लिए अलग अलग सड़कें हैं, लेकिन टोल प्लाजा पर अधूरे निर्माण के चलते आने को जाने के लिए एक ही मार्ग है, जिस कारण महाकुंभ में एक बड़ी समस्या बन सकता है। मेला प्रशासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आने वाले महाकुंभ में शासन व प्रशासन को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है व मुश्किलों से जूझना पड़ सकता है। जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के परिवेक्षण में चलाए जा रहे जनपद अपराधी मुक्त अभियान में आज करीब एक साल से पुलिस को चकमा दे रहा टॉप 10 अपराधी को फेंडर पुलिस ने मुखबिर की स्टीक सूचना पर किया गिरफ्तार। अपराधी रिंकू बरार पुत्र सीताराम बरार निवासी ग्राम बदुआ को रेंडर पुलिस ने ग्राम क्यूलरी में एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 315 बोर तमंचा के साथ गिरफ्तार किया।